तो हेलो दोस्तों, कैसे आप तुम लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं सिटी स्काईलाइन। तो भाई इस वाले गेम प्ले में हम अभी मेट्रो बनाने वाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है अपने, 30,000 के करीब हो चुके हैं। तो भाई अभी जाम वाम भी लग जाता है यार, देखो कितना बड़ा जाम लग चुका है गाड़ियों के लिए। भाई मैं 3 मेट्रो बनाऊंगा जो बंदे होते हैं गाड़ियाँ लेके ना जाए। देखो सबसे पहले तो भाई मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बस टर्मिनल बनाया था, देख रहे हो यहाँ पर कितने ज़्यादा पब्लिक यूज़ कर रहे हो। टैक्सी टर्मिनल भी यहाँ पर, टैक्सी आती हैं और स्टेशन पर बंदों को जो फोन करता है उनके घर चले जाते हैं। यहाँ पर बसें वगैरह है, काफ़ी सारी बसें जा रही भाई, देख रहे हो। जो जो रेड वाली, जो ग्रीन वाली बसेज हैं वो फॉरेस्ट इंडस्ट्री में लेके जाती है बंदों को, और जो येलो वाली है वो बंदों को लेके जाती है वहाँ पर फार्मिंग इंडस्ट्री पर, तो वहीं से कनेक्टेड। और ये जो ये वाली पर्पल वाली देख रहे हो, ये सब जाती है सीधा सीधा भाई जू की तरफ, और यहाँ पर एम्यूजमेंट पार्क पर बंदों को छोड़ देती है। तो यही सब है भाई। और फिलहाल के लिए तो भाई हमें यहाँ पर, मैंने एक ये भी भाई बना दिया था, यहाँ पर भी बंदे इसके अंदर सामान डालते हैं। देखो यहाँ पर प्रोडक्शन होती है, उसके बाद इनके अंदर स्टोर कर देते हैं, उसके बाद दूसरे ट्रक्स आके इनके अंदर से निकाल करके सामान इसके अंदर डाल देते हैं, और फिर यहाँ से ट्रेन जाती है सीधा सीधा यहाँ निकल कर बिल्कुल जो मेन लाइन है ट्रेन की यहाँ पर आ जाती है और यहाँ से निकल। और ये फॉरेस्ट इंडस्ट्री के ट्रक है यहाँ पर, इसलिए सारी जो लकड़ियाँ वकड़ियाँ आ रही हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होती हैं। और ये ओर इंडस्ट्री का है, और जो भी थोड़ी कमर्शियल है ओर इंडस्ट्री भाई, ये भी मैंने थोड़ी सी और अपग्रेड कर दिया था इसमें भाई, और स्टोरेज बना दी थी और फैक्ट्रीज बना दी थी भाई, ये ग्लास फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, तो काफ़ी बढ़िया इंडस्ट्री है ये वाली भी। अब भाई अब मेरा प्लान है यहाँ पर मेट्रो बनाने का, 3 मेट्रो बनेंगी मतलब, तो 3 मेट्रो टाइप में, एक तो जो कि इंडस्ट्री से कनेक्ट करेगी, एक जो पूरे सिटी को कनेक्ट करेगी, और एक और बनेगी जो कि साइड साइड से जाएगी हर जगह। तो भाई फटाफट से शुरू करते हैं उसको बिल्ड करना। तो ओके भाई, अपना अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है फुल्ली मेट्रो का। भाई ये तो अंडरग्राउंड था, ठीक है। अंडरग्राउंड में मतलब पे और एक मोनोपोली जाएगी यहाँ पर, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर एक स्टेशन होगा, और फिर सीधा यहाँ पर और एक यहाँ पर स्टेशन बनेंगे इसके, ठीक है। अपने ट्रैफिक भी कम होगा। तो भाई 3 अंडरग्राउंड जब बनाए हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखता हूँ कहाँ पर है वो। तो मेट्रो के भाई ये स्टेशन सारे, एक तो भाई ये रहा, ओके भाई 30,000 पॉपुलेशन हो चुकी है अपनी, काफ़ी सही हो चुका है भाई। एक तो भाई मेट्रो स्टेशन ये रहा यहाँ पर, तो भाई यहाँ रहा मेट्रो, यहाँ से बंद के जाएंगे अंदर की धाबे, तो मैं दिखाता हूँ भाई। भाई ये रहा मेट्रो स्टेशन यहाँ पर, और यहाँ से एकदम फुल्ली कनेक्टेड है भाई पूरा सिस्टम, यहाँ से पूरी सिटी के अंदर जा रहा है ये। यहाँ पर बस टर्मिनल है इसके सामने, तो भाई होना ही चाहिए था, यहाँ से बंदे अपना। भाई ये रहा मेट्रो स्टेशन, दे रहा ये रहा, और यहाँ से बंदे अपना आएंगे और सीधा जो आएंगे तो भाई वो यहीं से आ जाएंगे, और बसेस पकड़ के जहाँ उनको जाना होगा वहाँ चले, तो यहीं से चले जाएंगे। तो भाई फुल अंडरग्राउंड हो चुका है अभी, एक जैसे कि टाउन है ये पूरा पूरा, मतलब टाउन कह रहा हूँ, परफेक्ट। तो कमर्शियल जोन है, यहाँ से एक मोनोपोली ट्रेन जाएगी जो तो कि पूरे रास्ते यहाँ तक जाके रुकी, मैं सोच रहा हूँ यहाँ तक ले आऊँ, मतलब 1, 2, 4 स्टेशन बनेंगे उसके, तो वो भी सही रहेगा। तो भाई फटाफट से उसको करना स्टार्ट करता हूँ मैं।
उत्पाद तो भाई काफी ज्यादा, अब तो अपना एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी काफी हो गया। देख रहे भाई इतने सारे ट्रक भाई भर भर के सामान लेके आ रहे हैं यहाँ पर, बढ़िया ट्रक्स वगैरह लकड़ी के, अभी तो ये और भी आ रहे होंगे काफी। कोल पावर प्लांट देखो भाई और भी आ रहे हैं, पूरे पूरे के पूरे ट्रक भर भर के आ रहे भाई लकड़ियों के, यहाँ से जो भी लकड़ियाँ कट रही है देख रहे भाई कितने सारे ट्रक्स लाइन में खड़े। तो भाई फटाफट से मोनोपोली ट्रेन बनाना शुरू करता हूँ मैं एकदम। तो तो ओके भाई अपने मेट्रो स्टेशन भी तैयार हो चुकी है, बट जैसे ही मेट्रो स्टेशन मैंने डाला तो भाई यहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्यों। अभी देखता हूँ मैं, इसको तो पानी मिल रहा है अच्छे से, तो मैं इस रोड को पूरा पानी दे दूंगा, बढ़िया एक बड़ी सी पाइप लाइन ला देता हूँ यहाँ पर, ये यह हो गया यहाँ पर, और बाकी सबको तो मिल ही रहा है ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी का देखना पड़ेगा यार क्या चल रहा है, इनकी डिमांड आई थी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया। चलो इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैं यहाँ पर एक दो बड़ी चीज़ें और बना देता हूँ भाई, ठीक है रोड से ले जाता हूँ, एक मीडियम इंडस्ट्री रोड जाएगा इस तरफ में, यहाँ से होगा कनेक्ट सीधा यहाँ तक जाएगा, यहाँ पर बना दूंगा इलेक्ट्रिसिटी बड़ी चीज़ें। देखिए मैंने एक तो भाई सोलर पावर प्लांट, ठीक है एक तो ये भाई सोलर सोलर होंगे यहाँ पर मस्त, ये हो गया। और आगे तो हाइड्रो हाइड्रो पावर प्लांट भी बनाना है हमें भाई, वो काफ़ी बढ़िया रहता है, ये बना देता हूँ मैं यहाँ पर, क्या ये हो गया। और भाई एक बड़े वाला और लगा देता हूँ भाई, अब तो भाई पानी वो इलेक्ट्रिसिटी कमी रहने नहीं वाली किसी के पास भी, यहाँ पर वाटर सप्लाई भी करनी पड़ेगी, वाटर सप्लाई भी हो चुकी है भाई, वाटर सप्लाई भी हो चुकी है, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने ये देखो सोलर पावर प्लांट्स बना दिए, कितने सारे तगड़े हैं ये, और ये थर्मल पावर प्लांट है, और भाई ये सोलर अपड्राफ्ट प्लांट है, तो थर्मल प्लांट है ये ठीक है, और हाइड्रो पावर प्लांट बना देंगे तो इसके बाद तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। और भाई ये अपना पूरा एकदम पेड़ों के बीच कटाई कर, और भी भाई बंदे आने शुरू हुए तो इसमें काफी रहे भाई, अपने भाई पूरी मेट्रो लेने की यहाँ पर डाल दिया मैंने, रोड के साथ साथ चल रहा है तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है ये। और एक यहाँ पर भी बस बस इतनी बनाई है मैंने, तो काफी सही लग रहा है भाई ये सारी चीज। अभी आगे का भाई अपना प्लान कुछ अलग है, अपने को यहाँ पर एयरपोर्ट बनाना है, यहाँ पर ऑयल के लिए रिजर्व थे तो इस लैंड को भी मेरे पास अब खरीद लेता हूँ मैं, परी लैंड के भाई मैंने, ठीक है अब यहाँ पर हम ऑयल भी निकाल पाएंगे, तो भाई काफ़ी ज़्यादा सही सिटी हो गई अपनी बढ़िया, और पैसे की कोई दिक्कत नहीं, और बढ़िया काम चल रहा है अपना, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। अब अपना सीधा प्लान है एयरपोर्ट बनेगा और एक यहाँ पर ऑयल भाई। बस आज की वीडियो के लिए यार इतना ही बहुत, अगर आपको वीडियो लाइक करें तो भाई सब्सक्राइब करो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।